यस सर, मैं सर अब मतलब मैं अब रेडी हूँ सर। जी जी सर। सर सर सिर्फ 3 सेकंड दो ना, थोड़ा सा वो कर रहे हैं। जी जी सर। जिंदगी क्या है? जिंदगी, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलो। जिंदगी क्या हुआ सर? अच्छा मतलब थोड़ा सा लाउड हो गया है। ठीक है सर, मैं इसको थोड़ा सा टोन डाउन करता हूँ। जी जिंदगी, जिंदगी एक खेल है, इसे खेलो। जिंदगी एक गाना है, इसे गाओ। सर क्या हुआ? सर सुनो ना सर, सर एक मौका दो ना प्लीज सर। सर 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 जो भी अभी हुआ सर, एक मौका दो ना प्लीज सर। सर सर बस मेरी एक माँ ही थी जिन्हें मुझमें एक स्टार नजर आता था। मुझे आज भी याद है वो सेकंड स्टैंडर्ड का प्ले जिसमें मैं पेड़ बना था और मेरा कोई भी डायलॉग नहीं था, लेकिन मेरी माँ को मेरा परफॉर्मेंस सबसे अच्छा लगा। इनफैक्ट मैं अपनी माँ के लिए ना सबसे सबसे क्यूट बच्चा था। फिर एक दिन माँ हम सबको हमेशा के लिए छोड़ के चली गई। उस दिन से मैंने अपनी माँ के सपने को पूरा करने की कोशिश की, उनके हर सपने को पूरा करने की कोशिश की, ये सोचकर कि मेरी माँ जहां भी होगी ना मुझे मुझे वहां से आशीर्वाद देगी और मुझे हिम्मत देगी। पता है जब भी मैं पर्दे पे इन एक्टरों को नाचते गाते देखता हूं ना, तो मुझे लगता है कि ऐसा इनमें क्या है, मतलब क्या है जो मुझ में नहीं है। तो ये सब सोच के मैं यहां आ गया बॉम्बे। जब यहां आया तो मैंने देखा कि जैसे तो 300 लोग और लाइन में लगे जो अपने मां बाप का सपना पूरा करने के लिए आए। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी, मैं भी लाइन में लगा। मैंने भी कास्टिंग डायरेक्टर को व्हाट्सएप किया, फेसबुक किया, जीमेल किया, अपने फोटोज भेजा, पर सबको मेरे मैसेजेस पढ़ के भी कोई रिप्लाई नहीं करते थे। फिर मुझे समझ में आया कि कमी तो मुझ में ही थी, कहीं ना कहीं मैं गलती कर रहा था। फिर मैंने अपनी कमियों को दूर करना शुरू किया और आज भी मैं अपनी कमियों को दूर कर रहा हूं, क्योंकि सिर्फ मुझे अपनी माँ का सपना पूरा करना है। और मैं कभी भी ये कभी भी ये शहर छोड़ के नहीं जाऊं, कभी नहीं। ये सिर्फ मेरी माँ के लिए है, सिर्फ मेरी माँ के लिए। आई लव यू मॉम, आई लव यू।